अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक राणा है। मैं बेसीए चेयरमैन चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान आपसे मुखातब हूँ। पाकिस्तान में रिटेल सेक्टर से लाखों लोगों की रोज़ी वाबस्ता है। हज़ारों आउटलेट्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं और रिटेल जो है वो इंडस्ट्री का फेस है। रिटेल के साथ 50 से ज़ायद मुख्तलिफ सेक्टर की इंडस्ट्रीज वाबस्ता हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में सेहत और मईशत ख़तरे में है। रिटेल सेक्टर बुरी तरह से मुतासर है। बहुत सारी कारोबारी सरगर्मियाँ बंद हो चुकी हैं। इस सिलसिले में दुनिया की बेशतर हुकूमतों ने मौशी पैकेज का ऐलान कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान भी चंद दिनों में मौशी पैकेज का ऐलान करने वाली है। इस सिलसिले में हमारी चंद गुजारिशात हैं। मौजूदा सूरत हाल में मुलाजमतों और कारोबार को बचाने के लिए किरायों में, यूटिलिटी बिल में और हुकूमती टैक्सेस में नुमाया कमी की जाए, इनकी मौखर अदायगियों का अहतमाम किया जाए। मकामी सनतों के तहफ़ुज़ के लिए स्टेट बैंक अपनी शरह सूद में नुमाया कमी का अहतमाम करें और इसके अलावा एक ऐसा फ़ंड बनाया जाए जिससे मकामी सनतें शरह सूद में कमी के साथ एक लंबी मुदत के कर्ज़े हासिल कर सकें, ताकि हमारी सप्लाई चेन मुतासर ना हो सके। कारोबारी सरगर्मियों को बहाल करने के लिए वक्ती तौर पर सेल टैक्स की शरह को कम किया जाए, ड्यूटीज़ की शरह को भी कम किया जाए और इनकम टैक्स की शरह को भी कम किया जाए, ताकि अशिया की कीमत कम हो सके। इस सिलसिले में अगर हम अपने नफ़े को भी कम कर दें तो कस्टमर के लिए एक अफोर्डेबल प्राइस हम ऑफ़र कर सकेंगे। उससे कारोबारी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू हो जाएंगी और इंशाल्लाह ये जो रिसेशन है ये बड़े अच्छे तरीके से हम इससे गुज़र सकेंगे। मौजूदा बहरान से निकलने के लिए बहुत सारे कारोबारी अदारे कॉस्ट कटिंग और ले ऑफ की तरफ जा रहे हैं। इस सिलसिले में मेरी हुकूमत से गुजारिश होगी कि जल्द अज जल्द मुलाजमीन के तहफ़ के लिए एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। उसमें मिनिमम वेजेस और डेली वेजेस वाले मुलाजमीन के लिए जो पैकेज का अनाउंसमेंट करनी है उसमें हमें ऑन बोर्ड लिया जाए, हमारे साथ मिलके एक स्ट्रेटजी बनाई जाए और जिन मुलाजमीन के ऊपर इनकम टैक्स की हायर शरह लग रही है उस शरह को बहुत रीज़नेबल किया जाए, ताकि उनको टैक्स देना और घर चलाना दोनों उनके लिए मुमकिन हो सके। मुलाजमतों का तहफ़ कारोबारों की बहाली और जो सार्फिन हैं उनके हकूक़ का तहफ़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान जो भी इकदाम उठाएगी, हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।